हेलो भाई, अरुण पवार इंटरव्यू फिलहाल खड़ा हुआ है भाई भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पे। भाई मेरी डेस्टिनेशन जैसे मैंने बताया था ये नहीं थी भाई। मैं कल आया कहीं से, भुवनेश्वर उतर गया अपनी ट्रेन से, तो यहाँ मैंने एक घंटा वेट किया क्योंकि मेरे को जाना है भाई आगे पुरी। तो अब आप समझ गए होंगे मैं जा रहा हूँ भाई जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो यहाँ से करीबन 2 घंटे दूर है ट्रेन से। तो वैसे 60-61 किलोमीटर है, गाड़ी से 1-1.5 घंटा लगता, पर ट्रेन से ट्रेन ही चले जाओ तो वो बेस्ट है। तो मैंने ऐसी सर्च करी कोई ट्रेन जा रही हो यहाँ से तो डायरेक्ट अच्छा है, कहीं डोलना ना किराया वराया दूंगा इधर उधर। तो भाई मेरे को 250 रुपये की एक ट्रेन मिल गई जो AC चेयर है, जो मतलब जिसने मेरे को जैसे 10 बजे उतारा था तो वो 11 बजे की थी। अभी तो 11:30 हो गए, लेट तो हो ही जाता है इंडियन सिस्टम। तो अभी वो ट्रेन आ रही है 18303 नंबर उसका, 18303 पर SBR पुरी एक्सप्रेस करके कुछ तो है, तो आने वाली होगी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ये जाएगी, वो आएगी शायद से, तो मैं उसमें सवार हूँ। और आज आपको दिखाता हूँ 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ टेम्पल पुरी। एकदम इंस्टेंट रैंडम प्लेन अकेले आ गया, लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वो ट्रेन आने देता हूँ भाई। ये आ गई भाई मेरी ट्रेन, ये देखो GS, इसमें AC चेयर मस्त सिस्टम है। इसमें ज़्यादातर जनरल डिब्बे हैं, वो तो एक आध ऐसे मेरे जैसे के लिए डाल रखे हैं। अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ है चेयर वाली में CS लिखा रहता है। ये रहा C2, इसमें क्यों नहीं दिखाता है फोन में C2। इसमें चलता हूँ देखता हूँ भाई कैसा सिस्टम है। तो ये भैया ऐसे कुछ सीट हैं, यहाँ भी एड छाप रखी भुवनेश्वर वालों ने, नाइस। काफ़ी कंफर्टेबल है वैसे तो, 2 घंटे का रास्ता रहेगा अपना पुरी के लिए ऐसे सीधा। तो भैया फाइनली मैं पहुंच गया पुरी, जहाँ के लिए मैं पिछले कम से कम 24 घंटे से चलता जा रहा हूँ। फाइनली द डेस्टिनेशन हैज अराइव, दिखाता हूँ मैं कैसा है पुरी का स्टेशन, ये देखो भाई दिस इज पुरी। भाई स्टेशन पे भीड़ भी पूरी है, मुझे लगता है भाई इससे आगे भाई ख़त्म है, इससे आगे पटली ख़त्म है। पुरी इज़ द लास्ट ईस्टर्न कोस्ट के साइड, उड़ीसा साइड, इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे थोड़ी आगे बस 3-4 किलोमीटर आगे समुद्र ही है बस। भैया जय जगन्नाथ। भाई जो मेरा इतना रैंडम प्लान बनाया ना, ये आप विश्वास नहीं कर सकते। और जैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होती गई, मुझे मिलती गई ट्रेन एंड ऑल दिस, ये रेल का डिब्बा होता है जिसमें इतनी खींचा मुझे। यहाँ लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे, इतना ऑकवर्ड हो रहा है भाई। वट ही इज़ डूइंग मैन। भाई मैंने होटल अपना बुक कर लिया, यहाँ से 501 मीटर ही है बस, यहाँ पर जाके रेस्ट करता हूँ पहले तो फिलहाल थोड़ा, फिर आगे का प्लान देखूंगा। ये शहर मेरे लिए एकदम नया है, टोटली शहर का पूरा एरिया का साइड इधर तो कभी आया ही नहीं, ना सोचा था कभी आऊँगा, बट आ ही गया। देखो मैं कह रहा था ना इससे आगे वो नहीं है, पटली ख़त्म है, ये देख लो यार। अब मेरी बात पे विश्वास तो भाई करते नहीं हो यार, लल्लन टॉप वालों की पे करते हो। उन्होंने भाई जो एंडेवर की रेस लगाई वाली वीडियो थी ना, वो उठा के अपनी स्टोरी डाल दी, मतलब अपनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, अरुण पवार ने लगाई रेस तो ऐसे किया नोएडा पुलिस ने, मतलब बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा कोई भी। भाई पूरी तो वही तगड़ा शहर है, यहाँ तो रिलायंस डिजिटल सब कुछ है। ये होटल था मेरा, नमस्ते पूरी। पूरी शहर तो देखने में बढ़िया लग रहा है यहाँ, ये खजूर के पेड़ भी तगड़े हैं, वो बीच वाली मतलब चीज़ ऑब्वियसली वही सब चीज़ें हैं। चलो इसमें चलता हूँ अपने होटल में स्टे, थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ। चलो भाइयों को ज़रा आप अपना पूरी के अंदर रूम दिखा देता हूँ भैया, 2000 रुपये का कैसा रूम मिलता है इधर। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि रूम तो यहाँ पे बड़े महंगे से हैं यार, देखना इतना इतना लिटिल सा रूम है बिल्कुल, देखो यहाँ इतके तो कुछ जगह ही ना है, और ये 2000 रुपये का मेरे को पड़ा है, इतना सा वॉशरूम है, कहाँ चले लाइट वाइट सी हैं बाहर आते होंगे। ये देखो भाई मतलब मजे वाली बात नहीं है, कोई सी का व्यू तो कुछ भी नहीं है, सी वाले तो भाई 5-6 हज़ार के जा रहे हैं। मुआ जब भी थोड़ा ट्रेन में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना, अनकम्फर्टेबल सा हो जाता है, सोना सोना ही है। और शाम को बीच बीच घूम के आऊँगा आराम से, चिल करूँगा, तो मैं सोचा इतना मतलब वर्थ नहीं है उन पे देना, बस सोने सोने के लिए सी है। एक चीज़ हो रहा भाई, यहाँ गर्मी तो होता है मतलब अजीब सी ह्यूमिडिटी सी है, वो तो समुद्र किनारे हर जगह होती है यार शायद से, मैं ड्रॉन्ग अब जाके फ्रेश हुआ हूँ भाई ढंग से। ट्रेन में तो आपको पता ही है क्या सिस्टम रहता है, अब नहाऊंगा धोऊंगा ऐश करूंगा चिल लाइफ। भाई मेरे साथ यहाँ हो गई एक बहुत बड़ी दिक्कत, मैंने सोचा था भाई अपना शाम को मस्त सनसेट देखूंगा बीच पे जाऊंगा, पर मैं ऐसा सोया
जब उठा तो 5 बज गए, फिर नहाया धोया ऐसे ही काम धाम करा लिटिल लिटिल सा भैया, उसमें 6 बज गए। अब क्या मैं बीज देऊंगा, बट स्टिल मैंने कहा यार चलता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं इधर घूमने के लिए, तो मैंने कहा अभी चला जाता हूँ, अभी देख के आता हूँ बीच। तो भाई ये है बीच, होटल से कुछ 3-4-5 किलोमीटर होगा। कैसा ये इतने भीड़ भड़क्का की थोड़ी गई थी भाई, बीच तो मुझे तो भैया गोवा के ही लगते हैं बेस्ट। और मैं क्या शाम को आता यार, कहाँ रात में कुछ दिख ना रहा कुछ भी यार, पता ही चल रहा बीच है क्या है। बट चलो फिर भी देखता हूँ कुछ तो। ये लो भैया बीच, देख लो कैसा रहा बीच, इज कॉल्ड बीच, उड़ीसा का बीच। पर भाई मेरे को इतना रिग्रेट हो रहा है, मैं दिन में क्यों ना आया, इतना अच्छा लगता है। और जूता और पैर का गया, आपने देखा होगा हर जगह मैं चप्पल में भाग जाऊँ, इस बार पता नहीं क्या वो सोचा कि चलो इस बार उसमें चलता हूँ, क्या बोलते हैं जूते पहन के। देखो कैसे फन करते हैं लोग इधर ऐसे, अगर गलती से कोई लहर चाँद ने ज़्यादा झटका मार दिया, उस चाँद ने चाँद से ही बनती है भाई ये, मेरे जूता में पानी भर जाएगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ये बताओ, ये बता तो दो मुझे। देखो यहाँ वोट वोट बहुत कुछ है, एकदम एक नंबर। बीच पे फुल मजा आ रहा है बहुत, मतलब यार बीच पे हमेशा हर जगह तगड़ा सा लगता है। मैं ये बनवाने लग गया, क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पे, दाल मुड़ी, दाल मुड़ी भाई देखो कितना आइटम बनता है इसमें, धनिया आलू ठीक है, मूली गाजर, गाजर मूली धनिया बनिया, मूली नहीं नारियल है, अच्छा नारियल, ओके सॉरी भाई। ऊँट का तो ये देखना क्या अच्छा लगना, क्या मस्त बैठा रखा, हमारे वहाँ पे बरातों में पहनी जाती है, मतलब घोड़ी को ऊपर पहना देते हैं। यार मेरे दोस्त का ब्याह था कल, मैंने मिस कर दिया यार, शिट मैन, 24 को उसकी शादी है, उसकी मैं लगन में गया था, आपने देखा होगा जिसमें हम डांस कर रहे थे। नमक टेस्ट करूँ, ओके बढ़िया, ओके ये यहाँ मैंने एक कुर्सी ले ली है, आराम से बैठ जाऊँगा। ये पेड़ होता है 30 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, जैसे ये कुर्सियाँ जो रहती है ना बीच बीच पे, तो भाई फ्री के झंझट में मत फट जाना, वैसे नीचे बैठ सको, और मुझे इस तरह से लोग थोड़ा गंदा ही हो जाएगी, यू नो आई एम अ स्मार्ट रिच बॉय। मैंने कहा चलो 30 रुपीज़ दे दूँगा, अच्छे कर्म करूँगा। ये देखो भाई कितना अच्छा नज़ारा है बीच का, ये भाई पता नहीं क्या बेच रहा है, क्या है भाई साहब? बाबू गरम गरम समोसा है, मिठाई है, अच्छा भैया। अच्छा अच्छा अभी तो इच्छा नहीं है, चलो बाद में लेते हैं आपसे 10 मिनट बाद हम लगाएंगे। हाँ 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 बाद में लेते हैं भैया। उस अंकल के तो एक घंटा पूरा हो गया 30 रुपये, फिर उन्होंने कहा कि ऐप का टाइम पूरा हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे तो एक्साइटमेंट है, कल जगन्नाथ महाराज जी के दर्शन करूँगा, 4 धाम में से भाई एक धाम है जगन्नाथ धाम, जो कि कलयुग का धाम है। केदारनाथ तो मैं जा रखा हूँ, मतलब पता 4 कौन कौन से हैं, चलो मैं आपको थोड़ी लिटिल लिटिल नॉलेज ही दे देता हूँ। एक सबसे पहले बद्रीनाथ जो हमारे सबसे पास पड़ता है, उसके बाद दूसरा रामेश्वरम, तीसरा गुजरात में पड़ता है द्वारका में भाई, और चौथा है जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हुआ हूँ, जय श्री जगन्नाथ। तो मेरे एक ही होगा कंप्लीट, तो बद्रीनाथ नहीं गया मैं, और 3 जगह कभी गया नहीं मैं। तो सोच रहा हूँ मैं पहले चप्पल ले लूँ यार कहीं से, 8 बज गए तो चप्पल ले लूँगा ना, तो फिर कल आके यहाँ आराम से डोलूँगा, कल रिलैक्स रह के अपना मंदिर का दर्शन करके, और कुछ तो घूमने को ज़्यादा है नहीं, एक आप जगन्नाथ मंदिर घूमिया और बीच पे घूम लो, दैट्स इट भाई। अब टहलते टहलते आ गए यहाँ, देखो कितनी वाइड वो है वो मार्केट, कितना ज़बरदस्त काम है वो भैया, ये भीड़ देखो कितना, और कोई संडे ना मंडे ना कुछ भी, बड़ी गजब भीड़ है। चलो भैया चलते चलते भूख लगी आई, मैंने सोचा चलो उड़ीसा का ज़रा लोकल फूड ट्राई करता हूँ, इधर के मोमोज कैसे हैं ज़रा। ओ भैया यहाँ तो अलग सिस्टम है, देखो सीख भी घुसाते सीख, इतनी सी चटनी बस और डालो ब्रो, दुमना में नहीं देता क्या इधर, म्योनीज नहीं देते, म्योनीज भी चाहिए, सब सोदा चाहिए भाई, दिल्ली वाले सब सोदा ले मैं, अरे तो एक ही थाल में प्लेट से मैं सब सोदा धरते हैं यार। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, हमारे नॉर्थ जैसा टेस्ट मुझे खाने में कहीं नहीं मिलता यार, सबको अपनी जगह कहता है, पर मुझे तो बड़ा फीका फीका सा अजीब सा फीका बेस्ट है दिल्ली का भैया। ये और ट्राई करता हूँ बड़ी बड़ी मिर्च का, ये क्या बोलते हैं इससे पकौड़े, तो भैया 6 बड़े बड़े पकौड़े, देखो आपको भी रिव्यू देता हूँ इनका, आगे चर्प रही कैसी है, ये बढ़िया मोमोज अच्छे चीज़ है, इसका 4, एक पकौड़ा 5 का,
मस्त है। कैसी लग रही है फूड ब्लॉगिंग भाई, उन पर कमेंट डाउन ब्लो। तो भाई इस बीच के यहीं पे गली सी में बाजार सा भी है, यहाँ से चप्पल लेने जा रहा हूँ कोई दुकान मिल जाए तो। अभी तो चलाया जा रहा हूँ ऐसे ही बस। वाह यहाँ तो सब ओडी पे ही चलते हैं। चलो भैया मिल गई, मैंने तो इतना अंदर आया था कि कुछ ब्रांडेड मिल जाएंगी, बट यहाँ तो ये लोकल ही मिली। बट कोई नहीं, काम चल जाएगा मेरा। इसी बीच भाई साइड में मेरे को मोटू के लिए देखो कितनी अच्छी अच्छी टी शर्ट वगैरह मिली, मतलब बहुत छोटी छोटी है, तो मैं पैक करवा ली यहाँ पे, मोटू को गिफ्ट दे दूँगा भैया। ये चीज़ तो छोरी इनकी है, पर हमारी मोटी जब होगी कभी तो जब मोटी को दे देंगे। अब दीदी भी बढ़िया वैसे तो, कोई नहीं भाई अभी तो टी शर्ट ले जाता हूँ। जब मोटा बड़ा हो जाएगा मेरे साथ घूमा करेगा तब उसके लिए लेके चलेंगे, फिर हम बाद में आराम से फुर्सत से। उधर तो खुद ही बिछड़ जाया करेगा, चाचू चाचू ये दिलाओ वो दिलाओ। तो भैया मेरी पूरी शॉपिंग हो चुकी है अभी कम्प्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से अपने रूम पे। 8:30 बज गए हैं लगभग, और इससे ज़्यादा मुझे बाहर सेफ लगता नहीं है, इसलिए जाके मस्त होऊंगा। मुझे कल की प्लानिंग करनी है कि क्या दर्शन करने, कब कहाँ क्या जाना है। मैं बिल्कुल लूबड़ा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही मुँह उठा के आ गया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे मंदिर है, क्या क्या करना होता है, क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, वो सब चीज़ें देखूंगा चल के। लाइक करें भैया। रूम पे आके मैंने मंगवा लिया डोमिनोज पिज़्ज़ा, यार ये बढ़िया रहता है। अगर लोकल फूड पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकता, तो मैं ये बढ़िया मंगवा के अपना चिल लाइफ मस्त मज़ा आ जाता है। एक जैसा खाओ यूनिवर्सल, मौज लो, थम्स अप पियो। चला भाई खा पी के अब सोने का वक्त आ चुका है, कल जाऊंगा दर्शन करने श्री जगन्नाथ के। कल मिलते हैं भाइयों को, कल की वीडियो में दर्शन करवाते हैं कैसा है पूरी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।